सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। बड़ी ई की मात्रा हम तीन चरणों में सीखेंगे। पहला चरण है कि हम बड़ी ई की मात्रा की पहचान करेंगे, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद हम बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करना सीखेंगे। जैसे क के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया तो की, बड़े ई की मात्रा का उच्चारण जब भी करते हैं हम व्यंजन के साथ तो व्यंजन की ध्वनि ऊंचे स्वर में बोली जाती है। ल के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ली, ज के साथ प्रयोग करेंगे तो जी। इस तरह से हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे सीला, नीला, चील, लीची, तीर। इस तरह से हम दो अक्षर के शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे पीली, दादी, खीरा, मामी। और इसके बाद हम तीन अक्षर के शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे लकड़ी, असली, महीना, बीमारी आदि। फिर हम चार अक्षर के शब्दों का अभ्यास करेंगे, जैसे तकलीफ, दीपावली, अपराधी, जानकारी, बनवारी, इलायची, भीलमान, छीनकर, दीनानाथ आदि। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। बच्चों, ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ आती है तो व्यंजन का उच्चारण ऊंचे स्वर में होता है। ई की मात्रा सभी अक्षरों में दाईं तरफ लगाई जाती है तथा सभी बच्चे कैसे लेकर ह तक सभी व्यंजनों पर ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे। धन्यवाद।